मेरे दो दो भतीजे हैं, दोनों का मुंडन ही आज होगा। और देखो पीहू को गाड़ी में बैठते ही उसकी चिप्स स्टार्ट हो गई। हमारे बच्चों का हाल देखो, एक ये गई गया और बेसुध पड़ी है, एक ये गई। चाय पियेंगे यार? नहीं, नहीं, पर मैं तो खाली चाय नहीं पीती, मुझे तो कुछ और भी चाहिए। बाहर में जाने तो दुनिया ला रही ठीक है। देखो ये देखो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि आज है मेरे भाइयों के बच्चों का मुंडन, यानी कि मेरे भतीजों का मुंडन। मेरे दो दो भतीजे हैं, दोनों का मुंडन ही आज होगा। हम वहाँ पर कैसे मुंडन होता है, क्या होता है, सब आपको दिखाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। क्यों पीहू, आप खुश हो क्या? लो पीहू को इस बात से खुशी है कि भाई स्कूल की छुट्टी मिल गई। मतलब कुछ भी करना हो, कहीं भी ले जाना हो, छुट्टी करवा दो, बस मम्मी मैं तो खुश हूँ। और हमारे ये छुटकू लाल भी तैयार होके एकदम रेडी। माधव क्या हो रहा है, आप रेडी हो गए हो? नमस्कार देवियों सज्जनों, ड्राइवर तैयार है, जैसे मैडम को हुक्म बजेगा अपन चल जाएंगे। ठीक है भाई, बस मैडम का हुक्म बज चुका है, क्योंकि मैडम तो एकदम तैयार हो चुकी है। बस चलो निकलते हैं, हम बढ़ दिए हैं अपनी सफर के लिए। और देखो पीहू को गाड़ी में बैठते ही उसकी चिप्स स्टार्ट हो गई। रहा नहीं जाता, जैसे वो गाड़ी में बैठती है पीहू को भूख लगने लग जाती है ना। पीहू भूख लग रही नहीं लग रही थी पीहू को, थी मम्मी। नहीं कह रही थी पीहू झूठी। माधव राधे राधे, राधे राधे कर दो आप, राधे राधे कर दो, राधे राधे। अभी हम पेट्रोल पंप पर रुके हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी गाड़ी घर से 50 किलोमीटर भी नहीं चली है, हम करीब 25-30 किलोमीटर चले हैं। और हमारे बच्चों का हाल देखो, एक ये गई गया और एक ये गई, दोनों बच्चे सो चुके हैं। भाई बच्चे सुबह 5:30 बजे के उठे हैं और गाड़ी में आते ही मम्मी मैं सो रही हूँ। इतना तगड़ा है, हमने गाड़ी तक नहीं दिख रही है भाई। आज फॉग है, जबकि इस टाइम तक फॉग होना नहीं चाहिए। फरवरी चल रही है, फरवरी में कहाँ इतनी ठंड रह जाती है, पर ठंड काफी ज्यादा चली है। तो अगर आपको भी ठंड लगी है या जुकाम काम हुआ है तो बताओ यार, क्या क्या हुआ आपके साथ है? इसका जुकाम हुआ है, इसको गाल लाल लाल हो गए हैं। देखो कितनी मासूमियत से सो रहा है ना, कितने प्यार से। सोते हुए बच्चे इतने मासूम और प्यारे लगते हैं, और जागते हुए बच्चे ओ भाई चंडाल। अब हम रुक गए हैं एक ब्रेक के लिए शिवा ढाबा पर। क्या करने वाले? चाय पियेंगे यार? नहीं, 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 पर मैं तो खाली चाय नहीं पीती, मुझे तो कुछ और भी चाहिए। Oh my God! आज चटोरी जवान कहाँ जाएगी। नहीं नहीं, आप भी कभी खाली चाय मत पीना, खाली चाय पीने से गैस बनती है, ये तो ऐसे ही है। फिर कहते हो अरे मुझे तो सीवियर एसिडिटी हो रही है, सीवियर एसिडिटी हो रही है ना। मेरे को एसिडिटी ना हो उसका प्रिकॉशन मैं पहले से ही रखती हूँ। अभी चलो लेते हैं कुछ चाय पकौड़े वगैरह। चाय पकौड़ा? हाँ कुछ देखो क्या है। अब शुरू हो गया हमारा नाश्ते का टाइम। क्या है नाश्ते में? ब्रेड पकौड़ा। पकौड़ा नहीं मिला? पकौड़ा नहीं मिला, फिर ब्रेड पकौड़ा मिला है। बाहर में जाने तो दुनिया ला रही ठीक है। देखो ये देखो क्या उठा रहे हैं, कैसे चाटने में लगे हुए। पियो हमने खाई क्या? हमने नहीं खाई ना। हम पहुंच गए हैं वहाँ पर जहाँ पर मेरे भतीजों का मुंडन होगा। पता है वो कहाँ पर होता है? नहीं पता, नहीं पता, मैं बताऊंगा। लो बताओ। मंदिर में। मथुरा में दाऊ जी का एक मंदिर है, वहीं पर हमारे यहाँ मुंडन होता है। दाऊ जी, वो आपको पता होगा, श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिन्हें कि हम बलदाऊ भी बोलते थे।
अगर आपने ये मंदिर नहीं देखा है तो आप भी आना देखने के लिए। बाकी वीडियो में आपको आगे मंदिर बताऊंगी। अभी मेरी मम्मी, भाई, भाभी इन सभी का आना बाकी है, इसीलिए अभी हम पार्किंग में खड़े हुए हैं, उनका वेट कर रहे हैं। जब वो आ जाएंगे उसके बाद ही हम अंदर मंदिर में जाएंगे, है ना माधव? आपको चलना है? माधव, एक माधव को हम साथ में लेके चलते हैं। माधव के एरिया में माधव के साथ आए हैं। हेलो करो। ए छुटकू, देखो ये कौन आ गया है। ये छुटकू का मुंडन होने वाला है। छुटकू गंजू हो जाओगे आप। आ गए हम उस जगह पर जहाँ पर बच्चों का मुंडन होने वाला है। देखो छुटकू सा बच्चा, ये मेरी भाभी है छोटी, इसका आज मुंडन होगा। गंजू हो जाएगा, ये कैसे मुंडन होगा अब वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। एक और बच्चा हमारे पास, नहीं कैची से नहीं होगा, उस तरह से ये भी गंजू हो जाएगा, है ना? इसका भी मुंडन होगा। ये बड़ी बात, ये मेरी बड़ी भाभी, नहीं बाल हैं उसके, देखो टकलू नहीं है वो। हाय फ्रेंड्स, हम आए हैं मेरे छोटे भाई का मुंडन करने। हम आपको कुंड दिखाते हैं, वो देखो कुंड है। मेरा छोटा छोटा भाई है, ये भाई है, एक ये भी भाई है मेरा, एक ये है जिसका मुंडन होना है। प्रीति, मैंने तो सुना है ये लटर लेने के बाद फिर बुआ को उसमें नहाना पड़ता है, पीछे वाले को नहीं, फूफा को। प्रीति डुबकी लगा, फूफा जी को नहाना पड़ता है ना? हाँ फूफा जी को नहाना पड़ता है, फूफा जी को नहाना चाहिए। नहीं आए तो बात अलग है, अगर आए हैं तो फूफा जी को ही नहाना पड़ता है, ऐसा ही रूल है। देखो सबको बताए डबल नहाना पड़ेगा। पहले रखना है तो निकालो पर्स से। देख रहा है तुम यहाँ लाइन, अब तो देख रहा है लाइन भी अच्छा चल रहा है। हाँ ये रह गया, इनको सही कर, ज्यादा तो नहीं बस यही। चलो अम्मा अपने हाथ से नोट डाल। हाँ वो बना दिया है, बिजनेस भी नहीं, बिजनेस भी आप मुंडन हो गया है। अब हम मंदिर से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर। अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी मम्मी का घर, वहाँ पर हम क्या क्या करते हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सब दिखाऊंगी। तब तक आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।